हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत, वेलकम टू इजी डीटीएच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 49 डिग्री इसमें जो सैटेलाइट है उसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले ही वहां पे जो सैटेलाइट था उसका लाइफ जो है वो खत्म हो गया था। तो यहाँ पे 30 मई 2019 को यामल सेट 601 को लॉन्च किए गए। दोस्तों, ये सैटेलाइट एक तरह से नया है क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसपॉन्डर है वहाँ पे नया नया चैनल आ जा रहा है। रेन टीवी जैसा पॉपुलर चैनल यहाँ पे फ्री टू एयर चल रहा है। तो दोस्तों, इस सैटेलाइट को अगर ट्रैक करना चाहते हो तो आप लोगों को दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो इस सैटेलाइट से कैसे सिग्नल आते हैं वो, और दूसरा आपका कौन सा टाइप का सेटअप बॉक्स यूज करना है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस सैटेलाइट का सिग्नल कैसे आता है। तो दोस्तों, दूसरा कॉमन टाइप का जो सैटेलाइट है उसका जो सिग्नल आपका आइदर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में आता है या तो फिर वर्टिकल पोलराइजेशन में आता है। मगर दोस्तों, ये यामल सेट 601 जो सैटेलाइट है इसका फ्रीक्वेंसी आपको सर्कुलर पोलराइजेशन मतलब कि घूमता हुआ आता है। तो दोस्तों, ये घूमता हुआ सिग्नल कैसे आता है, एक आपका बाई की तरफ घूमता हुआ आता है, दूसरा आपका दाहिने की तरफ घूमता हुआ आता है। LHCP मतलब के लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, दूसरा है आपका RHCP मतलब के राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन। तो राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन मतलब आपको वर्टिकल में सिग्नल मिलेगा, और लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन मतलब जो सिग्नल आपका बाई की तरफ घूमता हुआ आता है उसका सिग्नल आपको हॉरिजॉन्टल में मिलेगा। तो दोस्तों, ये सर्कुलर पोलराइजेशन जो घूमता हुआ था इसका एक फायदा है, आपका जो LNB होता है सी बैंड का, उसका जो स्क्रो एंगल है आप किसी भी तरह रख सकते हो क्योंकि इसका जो सिग्नल वो घूमता हुआ आता है। इसे अगर आप वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा एक टेफ्लॉन। तो दोस्तों, ये सर्कुलर जो सिग्नल है इसे अगर आप वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको LNB के अंदर एक टेफ्लॉन यूज करना पड़ेगा। ये टेफ्लॉन जो है कैसे यूज करना होता है, आपका जो वर्टिकल पिन है और हॉरिजॉन्टल का जो पिन है ये दोनों का बीच में आपका ये टेफ्लॉन रख के देना पड़ता है। ये टेफ्लॉन किस टाइप का होता है, आपके घर में अगर कोई काठ का टुकड़ा है या तो फिर जैसे कि प्लाईवुड का टुकड़ा या तो फिर आपका स्विच बोर्ड का जो टुकड़ा है वो अगर काट कर LNB के अंदर दे सकते हो तो आपका घर में ही बना सकते हो ये टेफ्लॉन, ठीक है। और दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये जो सैटेलाइट है इसका जो चैनल से या सारे के सारे MPG 4 में नहीं आएगा। आज का दिन में भी अगर स्कैन करते हो आपका 6 से 7 चैनल आप लोगों को फ्री टू एयर मिल सकता है MPG 4 बॉक्स में। और इसका जो दूसरा टाइप का चैनल है जहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा पॉपुलर चैनल LNTV जैसा चैनल वहां पे मिलता है, वो चैनल अगर आपका सेटअप बॉक्स में देखना चाहते हो तो आपका सेटअप बॉक्स जो है वो H.264 या तो फिर H.265 वर्जन का होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसका जो चैनल से 4K रिजोल्यूशन का पिक्चर, इस टाइप का पिक्चर अगर सेटअप बॉक्स में डिकोडिंग करना चाहते हो तो आपका सेटअप बॉक्स HEVC कोडिंग वाला होता है तो बहुत ही अच्छा है। HEVC कोडिंग वाला सेटअप बॉक्स मतलब हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग, इस सेटअप बॉक्स में सारे के सारे चैनल ओपन हो जाएंगे। अभी दोस्तों, इस सैटेलाइट का कवरेज के बारे में बात करें तो ये इंडिया के बहुत सारा जगह में फैला हुआ है। तो अगर आपके पास 6 से 8 फुट का डिश है बहुत ही आसानी से ट्रैक हो जाएगा। अगर आप इस मैप के अंदर जाते हो तो आपका डिश का साइज 3 फुट में भी आ जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, बांग्लादेश का जो सफिकुल इस्लाम, उन्होंने इस सैटेलाइट को ट्रैक किया है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं उन्होंने कैसे ट्रैक किया है, उसके बाद देखेंगे इसका चैनल लिस्ट। ये सी बैंड का एक डिश है, इसका जो सिग्नल है ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए इसके लिए इन्होंने नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। और ये जो LNB है इसका स्क्रो एंगल देख सकते हो, वैसे स्क्रो एंगल आप किसी तरह भी रखो तो चल जाता है इस सैटेलाइट के लिए क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी वो सर्कुलर होके आता है। नीचे की तरफ भी रख सकते हो, कोई कोई आपका साइड में भी रखता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो डिश है आपका अभी सेट किया हुआ है यामल सेट पर इसका। और दोस्तों, ये बाई की तरफ जो छोटा वाला के बैंड का डिश देख रहे हो ये सेट है आपका DDF डिश में। तो पार्क सेट को मालूम है 38 डिग्री ईस्ट में आता है, उस दिशा में आपको डिश को रखना है। उस दिशा में पहले डिश को सेट करो पार्क सेट में, उसके बाद थोड़ा सा डिश के पीछे जाके थोड़ा सा लेफ्ट साइड मतलब के बाइक के साइड घुमा लो और हल्का सा ऊंचा कर दो तो आपका यामल सेट 49 डिग्री ईस्ट सेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सिग्नल मिलेगा अगर आप कवरेज मैप के अंदर आते हो। अभी दोस्तों, यहाँ पे टेफ्लॉन जो है वो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। टेफ्लॉन को कैसे यूज़ किया जाता है वो हम पहले भी एक बार बता चुके हैं। तो इस टेफ्लॉन को आपको जो दो पिन होता है LNB के अंदर, एक वर्टिकल का पिन और एक हॉरिजॉन्टल का पिन, तो दोनों पिन के बीचों बीच में रखना है ताकि आपका सर्कुलर जो पोलराइजेशन में आपका सिग्नल आएगा, जैसे कि आपका राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन वाला चैनल वर्टिकल में चला जाएगा और आपका लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन वाला जो फ्रिक्वेंसी है उसका चैनल आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको रख के देना है तो आपका सिग्नल जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो स्ट्रॉन्ग वाला टिप है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे सिग्नल लाना है। इसका जो चैनल लिस्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
आपका सेटअप बॉक्स में कौन सा सेटअप बॉक्स में आएगा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैनल दिखा जाएगा, ये जो सेटअप बॉक्स है इसका नाम है बॉब सेट 777HT। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चैनल लिस्ट हम दिखाएंगे और नीचे यहाँ पे आप इसका जो फ्रीक्वेंसी वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चैनल लिस्ट जो वो देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपका सेटअप बॉक्स का वर्जन भी आएगा और चैनल कौन सा टाइप का है वो भी आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से दिखा देते हैं आप लोगों को, जितना सारा चैनल मिला है सारे के सारे फ्री टू एयर चैनल मिले हैं। तो यहाँ पे चैनल लिस्ट देख लो, चैनल का नाम जो है आपको कुछ दूसरा टाइप में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट बोल के कुछ चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है इसका ट्रांसपोंडर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आगे के दिन यहाँ पे और भी चैनल आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चैनल आपको MPG 2 फॉर्मेट में आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ चैनल जो है आपका यहाँ पे देख सकते हो H.264 बोल के वर्जन है। दोस्तों यहाँ पे आगे के दिन अच्छा अच्छा चैनल मिलेंगे। दोस्तों रशियन लैंग्वेज तो समझ में नहीं आता है, फिर भी यहाँ पे के चैनल लिस्ट जो जितना हो सके दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे देखो दोस्तों, नीचे में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है और इसका वर्शन भी शो हो रहा है। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पॉपुलर चैनल जो है रेन टीवी भी मिल जाता है। दोस्तों रेन टीवी अभी इस सैटेलाइट में यामल 601 सैटेलाइट में फ्री टू एयर चल रहा है दोस्तों। दोस्तों और एक बात बता देते हैं, यामल सेट में आपका कुछ एडल्ट कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप डिश को ट्रैकिंग करना चाहते हो, इसका जो स्ट्रॉन्ग सा फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। MY3 TV बोल के एक चैनल है, आगे देखते हैं CNAC, शायद ये CNAC होगा, ये रशियन लैंग्वेज है। यहाँ पे देखो रशियन लैंग्वेज का दूसरा एक चैनल है, ये चैनल नॉर्मल MPG 4 सेटअप बॉक्स में नहीं आएगा। ठीक है, कोडिंग ही नहीं होगा यहाँ पे, कोडिंग वाला ये निशान यहाँ पे और एक बार भी बता चुका हूँ, कोडिंग वाला जो निशान यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फाइटिंग वगैरह उसका चैनल है। HTV बोल के एक चैनल मिल जाएंगे, शायद रशियन मूवी हो रहा है यहाँ पे, ये रशियन लैंग्वेज का दूसरा एक चैनल है, ये चैनल देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो। दोस्तों टेफ्लॉन लगाने के बाद आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला सिग्नल ऑटोमेटिक आपका डिवाइड हो जाता है, तो टेफ्लॉन जो यूज़ करना है आपको बीचों बीच में रखना है, हॉरिजॉन्टल पोलारिटी वाला पिन और वर्टिकल पोलारिटी वाला पिन दोनों के बीच में रखना है, सिग्नल बहुत ही बढ़िया मिलेगा। दोस्तों आगे के दिन यहाँ पे बहुत सारा चैनल लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है अभी भी टेस्टिंग के मोड में यहाँ पे चैनल जो है वो दिए जा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है।